जी। अच्छा तो थिन मिरर तो बहुत बड़ा होगा, आओ थिक मिरर पढ़ लेते हैं आज। मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ग्लास स्लैब है। सबसे पहले तो मिरर बेसिकली होता क्या है, प्लेन मिरर है क्या? इट इज नथिंग बट अ ग्लास स्लैब इन विच वन साइडेड आर सिल्वर्ड, जिसके वन वन साइड पे क्या होता है, एक सिल्वर्ड होता है, ग्लास स्लैब होता है जिसके एक साइड पे सिल्वर्ड होता है, तो उसे ही क्या बोलते हैं, बेसिकली प्लेन मिरर बोलते हैं। लेकिन वो जो ग्लास स्लैब होता है उसका थिकनेस तो कुछ हो सकता नहीं है, थिकनेस मैंने दिखा रखा है टी, मतलब इसकी जो ग्लास स्लैब की थिकनेस है वो टी है, इसके एक साइड में सिल्वर्ड कर दिया गया। अगर ये थिकनेस बहुत ही कम होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, थिन प्लेन मिरर बोलते हैं। लेकिन अगर ये ज्यादा हो जाए तो सिचुएशन बदल जाती है ना? तो सिचुएशन बदल जाती है, किस तरीके से बदल जाती है आइए देखते हैं। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमारे आगे वाले सरफेस से कितने डिस्टेंस पर, डी डिस्टेंस पर। अगर ये डी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो क्या होगा भाई, अगर डी डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो क्या होगा, बेसिकली कुछ होगा थोड़ी, रे ऑफ लाइट इससे निकलेगी है ना। आओ इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, कहां बनता है इमेज, इससे रे ऑफ लाइट निकलेगी भाई साहब। मान लेते हैं ये रे ऑफ लाइट निकली है ऐसे, समझ गए बात, ये रे ऑफ लाइट ऐसे इस तरीके से निकली, रे ऑफ लाइट निकलेगी। अगर इस मीडियम का, इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और बाहर बाहर हम क्या मान रहे हैं, एयर मान रहे हैं, तो क्या होगा, टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड हो जाएगा। और अगर टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड हो जाएगा तो ध्यान से अगर आप देखें तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड हो जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से टुवर्ड्स दी नॉर्मल। अच्छा तो इसका इमेज कहां बनाएगा, इस वाले सरफेस के लिए, किस वाले सरफेस के लिए सर, क्या बना रहे हैं सर, इस वाले सरफेस के लिए भाई। जब ये बेंड हो जाएगा तो ये जब बेंड हो जाएगा तो रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी, तो इस मिरर को क्या लगेगा कि रे ऑफ लाइट कहां से आ रही है, यहां से आ रही है, पीछे से, सही बोल रहा हूं, यहां से आ रही। मतलब इस वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ये इसने इस ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर दिया पीछे की तरफ, ये ऐसे जो जा रहा था। और इस वाले सरफेस के लिए, मतलब इस प्लेन मिरर के लिए असलियत में, या जो सिल्वर्ड सरफेस है, इस सिल्वर्ड सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट वो यहां है, इसे मैंने बोल दिया ओ डैश। ये क्या था, ओ, ये क्या था, ओ डैश, मतलब इस वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें ये तो पता चले ये कितना है सर, कितना शिफ्ट हो गया पीछे, है ना। तो ध्यान से अगर आप देखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिफ्रैक्शन में पढ़ा होगा क्या, कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका इमेज क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है ना। किसी बाल्टी में सिक्का रखो, सिक्का ऊपर नजर आता है, किसके कारण, उसी शिफ्ट के कारण, उसे बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। यहां भी वही नॉर्मल शिफ्ट ही हुआ। तो आपने क्या पढ़ा होगा, डी डैश फॉर्मूला क्या होता है, डी डैश बाय में डी इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन में म्यू वन, वेयर डी डैश इज द अपेरेंट शिफ्ट, सॉरी अपेरेंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, अपेरेंट डेप्थ बोलते हैं ना। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर नजर आता है, तो ये जो डिस्टेंस कहलाता है ये क्या कहलाता है, अपेरेंट डेप्थ डी डैश, और ये क्या कहलाता है आपका, बेसिकली डी कहलाता है, एक्चुअल डेप्थ। तो ये एक्चुअल डिस्टेंस इस सरफेस से कितना है इसका, डी है, लेकिन ये कितना है, ये डी डैश है भाई साहब। लेकिन ये डी डैश है कितनी, इसी डी डैश की वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान से अगर आप देखें तो यहां पर वैल्यू रखें, आंसर आ जाएगा, ये डी डैश क्या है, ये मैं निकालना चाह रहा हूं, डी पहले से दे रखा है। म्यू टू क्या होता है, म्यू टू है उस वाले मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रे जा रहा होता है। बताओ इस सरफेस से रे किस में जा रहा है, म्यू वाले में जा रहा है, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, इसको लिखूंगा मैं म्यू, और म्यू वन क्या होता है, जिसमें से रे आ रहा होता है, कहां से आ रहा है, इस वाले सरफेस के लिए आ रहा है, इधर से जा रहा है उधर, तो म्यू में गया और एयर से आया, मतलब वन, मतलब डी डैश की वैल्यू कितनी होगी, डी डैश बराबर कितना हो गया, म्यू टू में डी। मतलब ये तो बात क्लियर हो गई सर कि ये इसकी वैल्यू जो कितनी है, म्यू इंटू में डी है। तो इस वाले सरफेस के लिए ये वाला ऑब्जेक्ट बन गया, और ये अगर ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो इमेज इसके जस्ट पीछे बनाएगा, ये तो थिन मिरर का केस हो गया, है ना, थिन मिरर का केस हो गया, जस्ट पीछे बनाएगा कितने डिस्टेंस पर भाई साहब, कितने डिस्टेंस पर, म्यू डी प्लस टी, म्यू डी प्लस टी, और रे ऑफ लाइट इधर निकल जाएगी, म्यू डी प्लस टी डिस्टेंस पर, मान लेते यहां बनाया, एक्चुअल में तो और पीछे जाएगा लेकिन स्पेस नहीं है तो यहां पर बना लेते हैं। ये कितना है हमारा, ये आपका भाई साहब बना कितना, ये आपका बना डी डैश मतलब म्यू डी प्लस टी डिस्टेंस यहां से, क्योंकि यहीं से ये डिस्टेंस मैंने मेजर किया है, ये म्यू डी है, ये टी है, तो ये म्यू डी प्लस टी पर। अच्छा एक बात हो गई, अब क्या होगा, अब बेसिकली आप ध्यान से अगर आप देखें तो रे ऑफ लाइट अब बाहर आएगी,
रे ऑफ लाइट अब क्या आ जाएगी, बाहर बाहर आ जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बाहर आ जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेसिकली अगर ऐसे गया तो इसका इमेज यहां बनेगा कहीं, ये है फाइनल इमेज, क्योंकि फाइनली यही दिखेगी हमें, फाइनली हमें यही दिखेगी। क्योंकि अगर सिंपल प्लेन मिरर होता है कि तो एक ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बनता है ना उतने डिस्टेंस पर, ये अगर डी डिस्टेंस पे है तो ये भी डी डिस्टेंस पे, लेकिन बनने का तरीका क्या होता है, एक रे ऑफ लाइट ऐसे जाती है इधर निकल जाती है और ये ठक ठक करके ऐसे करके बना देता है, एक रे ऑफ लाइट ऐसे जाती है ठक 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 करके ऐसे बना देता है, और यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर है, यहाँ कोई ऑब्जर्वर है ये देखता है, क्योंकि इसकी आंख में रे जानी चाहिए रिफ्लेक्ट होके, तभी देख पाएगा वो, मैंने देख कहाँ पाएगा। अगर तुम आदमी अगर तुम ही अपना चेहरा देख रहे हो तो अगर आप चेहरा देखोगे यहाँ से तो आपके आंख में रेज जाएंगे तभी आप देख पाएंगे। तो कहने का मतलब ये फाइनल इमेज कब बनेगा, जब रे ऑफ लाइट इस पूरे के पूरे स्लैब से इस पूरे पूरे सिस्टम से बाहर निकले, और बाहर तो अभी निकल रहा है, तो फाइनल इमेज देखो जब ये ऐसे अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाएगा फाइनल इमेज ये बनाए। तो ये बेसिकली क्या है हमारा फाइनल इमेज का पोजिशन, यहाँ पर फाइनल इमेज बनेगा, ये फाइनल इमेज है। अब क्या करें सर, तो ध्यान से अगर आप देखो तो इमेज क्या करके बन रहा है, कैसे बन रहा है इमेज, फाइनल इमेज कैसे बन रहा है, एक बार यहां से रिफ्लेक्शन हुआ, एक बार वहां से रिफ्लेक्शन हुआ, फिर दोबारा यहां से रिफ्लेक्शन हुआ, तब फाइनल इमेज बनेगा। मतलब दो बार रिफ्लेक्शन और एक बार रिफ्लेक्शन से इमेज बन रहा है। तो यहां पे मैंने एक बार रिफ्लेक्शन किया, यहां से एक बार रिफ्लेक्शन मैंने लगा दिया म्यू डी प्लस टी, अभी यहां से रिफ्लेक्शन बाकी है, पहले ये निकालो तो ये कितना है। तो ध्यान से अगर आप देखो तो फिर इस वाले सर्फेस से रिफ्लेक्शन किया, फिर से इस वाले सरफेस के लिए ऐसा लग रहा है इस वाले सरफेस के लिए कि रे ऑफ लाइट यहां से आ रही है, मतलब कहां से आ रही है, यहां से आ रही है, मतलब अब इस वाले सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया। और अगर इस वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हो गया, फिर से लगाओ डी डैश बाई डी बराबर म्यू टू बाई म्यू वन, तो डी डैश बाई डी, डी डैश डबल डैश लिख लो अपॉन डी, डी मतलब एक्चुअल एक्चुअल पोजिशन, इस वाले सर्फेस के लिए एक्चुअल पोजिशन देखोगे तो कितना हो जाएगा, यही ना ऑब्जेक्ट है म्यू डी प्लस टी कितना हो जाएगा म्यू डी प्लस टू टी, म्यू डी प्लस टू टी एंड दिस इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, म्यू टू है उस वाले मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रे जा रही है, कहां जा रही है भाई इस वाले सरफेस के लिए एयर में, म्यू वन है जिसमें से रे आ रही है, ये कितना हो गया म्यू। तो डी डबल डैश की वैल्यू ध्यान से अगर आप देखो तो म्यू डी उधर चला गया, म्यू से म्यू कट गया, डी प्लस टू टी बाई म्यू, डी प्लस टू टी बाई म्यू, तो डी डबल डैश की वैल्यू जो आई वो आ गई डी प्लस टू टी बाई म्यू, दिस इज द फाइनल पोजिशन ऑफ द इमेज। ये आपको जो दिख रहा है ये दिस इज द फाइनल पोजिशन ऑफ द इमेज, लेकिन ये D कहां से आ रहा है, इस सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन लगा रहे हो तो ये पूरा आएगा D प्लस टू टी बाई म्यू, तो ये प्लस D प्लस टू टी बाई म्यू है। तो ध्यान से अगर आप देखें तो ये हमारा क्या है D प्लस टू टी बाई म्यू, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस रखा था यहां से यहां तक D, मतलब डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस या सेपरेशन कह ले, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज इक्वल टू डी प्लस टू टी बाई म्यू, अरे यही है ना डी डबल डैश यही है ना भाई ये वाला, तो डी प्लस डी डैश का मतलब कितना डी प्लस टू टी बाई म्यू, मतलब टू कॉमन कर लोगे तो यहां कितना बच जाएगा डी प्लस टी बाई म्यू, दिस इज द सेपरेशन। तो आप सोच के देखो अगर ये बहुत पतला हुआ तो क्या होगा, अगर ये बहुत पतला हुआ तो टी गायब हो जाएगा, और जैसे ही टी गायब होगा तो ये पूरा पूरा गायब, मतलब 2D, मतलब डिस्टेंस अगर ये बहुत पतला हुआ तो मिरर से कितने डिस्टेंस पर रखा है ऑब्जेक्ट डी डिस्टेंस से, तो डी डिस्टेंस पीछे इमेज भी बनेगा। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत जानदार शानदार इस पर एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। बस याद रखें अगर मोटा है तो मोटा अगर मिरर हुआ तो आपको क्या ट्रीट करना है, एक को ग्लास स्लैब की तरह ट्रीट करना है, एक को प्लेन मिरर की तरह ट्रीट करना है और सॉल्व कर देना है। दो बार रिफ्रैक्शन होगा, एक बार रिफ्लेक्शन होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अच्छा एक क्वेश्चन देखते हैं, मान लेते हैं हमारा क्या है, इस तरीके से ग्लास स्लैब है, ये ग्लास स्लैब है हमारा, यहां पर सिल्वर्ड कर दिया गया और इस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है मान लेते हैं 3/2 और ग्लास स्लैब का थिकनेस दे रखा है 18 सेंटीमीटर और एक ऑब्जेक्ट या मतलब मान लेते हैं एक आदमी खड़ा है, चलो आदमी खड़ा है कितने डिस्टेंस पर 20 सेंटीमीटर पर, सही है जी, भर दो पानी यहां भी, पानी भर दो यहां पर,
वाटर, यहां भी पानी भर दिया मतलब पानी में खड़ा है, 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बताना है फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज फ्रॉम सिल्वर्ड सरफेस ए बी। ए बी से इस आदमी का इमेज कहां बनेगा, है ना? बड़ा खतरनाक हो गया सर, अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ध्यान सुनना मेरी बात। दो बार रिफ्लेक्शन, एक बार रिफ्लेक्शन ही तो होगा, मैं वो नहीं करूंगा, मैं और सिंपल इस क्वेश्चन को देखूंगा एक सिंपल तरीके से। इमेज कौन देख रहा है, या आदमी तो देख रहा होगा ना? अगर ये आदमी ही इमेज देख रहा है, अगर ये आदमी ही इमेज देख रहा है तो ध्यान से देखो, ये जब देखेगा इस मिरर को तो क्या ये मिरर इस मीडियम में इसी जगह दिखेगी या कहीं और दिखेगी? तो ऑब्वियस सी बात है वो यहां नहीं दिखेगी, पहले दिखेगी, और पहले दिखेगी, है ना? कैसे पहले दिखेगी, क्योंकि ये क्या है, डेंसर मीडियम 3/2, ये क्या है, रेयरर मीडियम 4/3, 1.33, 1.5, क्राउन ग्लास मान सकते हैं, फ्लिंट ग्लास मान सकते हैं, कुछ भी। क्राउन ग्लास मानोगे तो 3/2 एग्जैक्ट नहीं आता, 1.52 आता है क्राउन ग्लास का, और फ्लिंट ग्लास का कितना होता है, फ्लिंट ग्लास का 1.62 होता है, है तो नॉर्मली हम 3/2 लेते हैं। तो ध्यान से अगर तुम देखो तो ये डेंसर मीडियम हुआ, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होता है तो वो हमें थोड़ा सा किसका हुआ दिखता है, और तुम्हारी तरफ दिखता है। तो इसका मतलब ये प्लेन मिरर इस आदमी को यहां ना दिखकर कहां दिखेगा, यहां दिखेगा, नए पोजीशन ए डैश बी डैश पर। तो सर कितना शिफ्ट हो जाएगा, हम ये पोजीशन निकाल लेते हैं, ये वाली अपेरेंट डेप्थ, इस वाले सरफेस से अपेरेंट डेप्थ निकाल लेते हैं डी डैश की वैल्यू। अब डी डैश की वैल्यू निकालोगे तो ध्यान से देखो, तो ऑब्जर्वर कौन है, ये है, ये देख रहा है प्लेन मिरर को, याद रखना ये बात, ऑब्जर्वर ये है और ऑब्जेक्ट ये है, ये देख रहा है कि ये शिफ्ट होके आगे हो गया, इसको इस वाले सरफेस की पोजीशन यहां दिखेगी, मिरर पहले दिखेगी। तो ध्यान से अगर तुम देखो डी डैश बाई डी, डी मतलब 18, और म्यू टू है उस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रे जा रही है, निकलेगी किससे, अरे भाई इसी को तो ऑब्जेक्ट मान रहे हो, इसी की शिफ्ट करा रहे हो तो इसी से रे निकल रही होगी, निकल के इसमें जाएगी, इसमें जाएगी तो ये म्यू टू है, इसमें से आ रही है ये म्यू वन है, तो म्यू टू ये है, तो कितना हो गया 4/3 अपॉन 3/2 मतलब 2/3, एंड दिस इज इक्वल टू 8/, कितना हो गया 9। इससे काटोगे डी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, डी डैश की वैल्यू आ गई 16 सेंटीमीटर। अच्छा जी 16 सेंटीमीटर मतलब ये जो डी डैश आया है, ये डी डैश 16 सेंटीमीटर आया है, मतलब कितना शिफ्ट हो गया है ये प्लेन मिरर, 2 सेंटीमीटर आ गए, मान के चलो। तो इसका मतलब ये अपना इमेज देखेगा इस वाले मिरर में, इस वाले में तो देख ही नहीं पाएगा, इसमें दिखेगा, है ना? क्योंकि इसके आंख मेरे, इसकी आंख मेरे जो जा रही होगी वो क्या इस इमेज से आती हुई नजर आएगी, है ना? इससे नहीं आती हुई नजर आएगी। अच्छा जी ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गया, ये दिखा, तो ये जब देखेगा तो कितने डिस्टेंस से पीछे इमेज बनेगा, ये 20, ये 16, इससे कितने डिस्टेंस पर, इससे देखे दिखेगा कितने डिस्टेंस पर, 26 सेंटीमीटर पर। कौन से वाले से, कौन से वाले से, इस वाले सरफेस से, 20+16 36 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इस वाले सरफेस से कितने डिस्टेंस पीछे इमेज बनेगा, ये 36 सेंटीमीटर यहां से यहां तक, ये 2 सेंटीमीटर अभी मैंने बताया शिफ्ट हुआ, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 34 सेंटीमीटर, है ना? तो दो बार रिफ्रैक्शन लगाएगा तब सॉल्व कर ले, चाहे ऐसे सॉल्व कर ले जैसे मैंने बताया, ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है? तो भी तरीका है, इसको सीखना लगाने आना चाहिए, किस तरीके से कौन देख रहा है, क्या देख रहा है, कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा।